नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरूज में आपका स्वागत है। आज हम फोर्ड फ्री स्टाइल के नई स्विफ्ट बलेनो और एलीट i20 के साथ तुलना करेंगे। तो दोस्तों, कहने के लिए तो फ्री स्टाइल एक क्रॉस ओवर SUV है, लेकिन उसकी कीमत आज की लोकप्रिय हैचबैक से भी सस्ती है। लेकिन क्या वह उन हैचबैक से बेहतर गाड़ी है? क्या वह उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है? क्या उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं? क्या उसका माइलेज उनसे बेहतर है? क्या वह ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है? ऐसे सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेरूज का फ्री स्टाइल वर्सेस बलेनो, स्विफ्ट और एलीट i20 कंपैरिजन वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। अगर मैनुअल गियर्ड पेट्रोल मॉडल की तुलना की जाए तो फोर्ड फ्री स्टाइल सबसे सस्ती है। उसके टॉप एंड टाइटेनियम प्लस मॉडल की कीमत है सिर्फ 7,80,000 रुपये ऑन रोड के लिए। स्विफ्ट और बलेनो दोनों के टॉप एंड पेट्रोल मॉडल उससे लगभग 40,000 रुपये महंगे हैं। सबसे महंगी है एलीट, जिसका एस्टावो मॉडल की कीमत है 8,90,000 रुपये, यानी कि फ्री स्टाइल से लगभग 1,00,000 रुपये ज़्यादा। डीजल के मामले में भी वैसा ही है। फ्री स्टाइल का टॉप एंड डीजल मॉडल एलीट के टॉप एंड पेट्रोल मॉडल की कीमत में मिल जाता है। ऑटोमेटिक की बात की जाए तो बलेनो का टॉप एंड ऑटोमेटिक मॉडल एलीट के टॉप एंड मैनुअल मॉडल से सिर्फ 50,000 रुपये महंगा है। स्विफ्ट का टॉप एंड मॉडल में ऑटोमेटिक पर्याय उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका JDI डीजल ऑटोमेटिक मॉडल बलेनो अल्फा CVT से 40,000 रुपये सस्ता है। स्विफ्ट का ZXI पेट्रोल ऑटोमेटिक तो फ्री स्टाइल के टॉप एंड मैनुअल मॉडल जितना सस्ता है। दोस्तों, फोर्ड फ्री स्टाइल में ऐसे तो फीचर्स मौजूद हैं जो अन्य तीनों गाड़ियों में उपलब्ध नहीं है। वो हैं ESP यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड। फ्री स्टाइल में रेन सेंसिंग वाइपर भी मौजूद हैं जो बाकी तीनों गाड़ियों में उपलब्ध नहीं है। मगर बाकी तीनों गाड़ियों में भी 3-4 ऐसे छोटे मोटे फीचर्स हैं जो फ्री स्टाइल में उपलब्ध नहीं है, जो हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL और ISO फिक्स पॉइंट। फ्री स्टाइल और एलीट में 6 एयरबैग्स मौजूद हैं, मगर बलेनो और स्विफ्ट में सिर्फ 2। एक और महत्वपूर्ण फीचर जो बलेनो और एलीट में मौजूद है लेकिन स्विफ्ट और फ्री स्टाइल में नहीं है, वह है टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। इसके अलावा चारों गाड़ियों में लगभग 25-30 फीचर्स तो कॉमन हैं, जैसे ABS, पार्किंग सेंसर, पार्किंग कैमरा, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील स्विचेज, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, अलॉय व्हील्स इत्यादि। दोस्तों, बात करते हैं माइलेज की। स्विफ्ट और बलेनो का वजन कम होने के कारण उनके पेट्रोल मॉडल्स का ARAI माइलेज एलीट और फ्री स्टाइल से 2-3 किलोमीटर पर लीटर बेहतर है। हमारे विश्लेषण के दौरान भी मारुतीज का माइलेज फ्री स्टाइल और हुंडई से 2 किलोमीटर पर लीटर बेहतर पाया गया। इतना ही नहीं, बलेनो और स्विफ्ट के ऑटोमेटिक मॉडल्स का माइलेज भी मैनुअल मॉडल्स के बिल्कुल समान पाया गया। डीजल गाड़ियों में तो स्विफ्ट और बलेनो का इंजन भी सबसे छोटा है, इसलिए उनका माइलेज सबसे ज़्यादा है। लेकिन फ्री स्टाइल का डीजल इंजन सबसे बड़ा होने के बावजूद उसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। हमारे विश्लेषण के दौरान उसका माइलेज बलेनो और स्विफ्ट से बस 1 किलोमीटर प्रति लीटर कम पाया गया। दोस्तों, बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। पेट्रोल गाड़ियों में एलीट i20 अन्य तीनों गाड़ियों से साफ साफ कमज़ोर गाड़ी है। उसका पावर टू वेट रेशियो देखिए, वह स्विफ्ट बलेनो और फ्री स्टाइल तीनों से लगभग 20% कम है। ऊपर से उसमें लो एंड टॉर्क भी अच्छा नहीं है। शहरी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते वक्त चालक गियर बदल बदल के परेशान हो जाता है। बाकी तीनों गाड़ियों का पिकअप लगभग एक समान है। पेट्रोल ऑटोमेटिक मॉडल्स की तुलना की जाए तो बलेनो का CVT स्विफ्ट के AMT से थोड़ा सा स्मूथ जरूर है, लेकिन हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त उसमें रबर बैंड इफेक्ट की समस्या आने लगी है, यानी कि ओवरटेकिंग करते वक्त एक्सीलेटर दबाने पर सिर्फ इंजन के RPM बढ़ते हैं, गाड़ी की रफ्तार उतनी तेज़ी से नहीं बदलती। स्मूथनेस के मामले में चारों गाड़ियों के पेट्रोल इंजन बिल्कुल लाजवाब हैं। डीजल गाड़ियों में फ्री स्टाइल का पिकअप अन्य तीनों गाड़ियों से बहुत अच्छा है। उसका पावर टू वेट रेशो और टॉर्क टू वेट रेशो सबसे बेहतर है। इतना ही नहीं, फ्री स्टाइल के अलावा बाकी तीनों गाड़ियों में भारी मात्रा में टर्बो लैग की समस्या है। उनमें 2000 RPM के नीचे बिल्कुल भी अच्छा पिकअप नहीं मिलता है। स्मूथनेस के मामले में एलीट i20 का डीजल इंजन सबसे अच्छा है। फ्री स्टाइल का डीजल इंजन थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करता है। बलेनो और स्विफ्ट के डीजल मॉडल सबसे ज़्यादा आवाज़ करते हैं। डीजल मॉडल में केवल स्विफ्ट में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन वह स्विफ्ट के पेट्रोल इंजन जितना स्मूथ नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं अंदरूनी जगह और कम्फर्ट की। चारों गाड़ियों में बलेनो सबसे बड़ी गाड़ी है और उसका अंदर बाकी तीनों से ज़्यादा अंदरूनी जगह उपलब्ध है।
उसकी बूट स्पेस भी बाकी तीनों गाड़ियों से काफ़ी बड़ी है। बची हुई तीनों में से स्विफ्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अंदरूनी जगह मौजूद है। पुरानी स्विफ्ट की तुलना में नई स्विफ्ट में लेग रूम, नी रूम और शोल्डर रूम काफ़ी बढ़ा गया है। उसका बूट स्पेस भी काफ़ी सुधर गया है। एलीट बाहर से जितनी बड़ी दिखती है उतनी स्पेसियस नहीं है। उसकी पिछली सीट पर तीन यात्री बलेनो जितने आराम से भी नहीं बैठ पाते हैं। थ्री स्टाइल का रियर सीट भी एलीट जैसा ही है, उसमें भी बलेनो या नई स्विफ्ट जितनी अंदरूनी जगह उपलब्ध नहीं है। लेकिन इंटीरियर के मामले में एलीट i20 सबसे बढ़िया गाड़ी है। उसके इंटीरियर प्लास्टिक की गुणवत्ता, उसकी बनावट बाकी तीनों गाड़ियों से बहुत उच्च दर्जे की लगती है। बलेनो और स्विफ्ट के इंटीरियर भी टिकाऊ हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन वे एलीट की तुलना में दो श्रेणी नीचे की गाड़ियाँ लगती हैं। थ्री स्टाइल के इंटीरियर भी कुछ खास नहीं है, वह काफ़ी पुराने ढंग से लगते हैं। और फोर्ड की गाड़ियों का इतिहास देखा जाए तो हुंडई या मारुति जितनी टिकाऊ होने की संभावना भी कम है। दोस्तों बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। गाड़ियों का चेसिस सस्पेंशन कैसा होना चाहिए ये बाकी उत्पादकों को फोर्ड से सीखना चाहिए। थ्री स्टाइल की पकड़ और उसका सस्पेंशन कम्फर्ट दोनों सबसे बढ़िया है। ऊपर से उसका ग्राउंड क्लीयरेंस भी बाकी तीनों गाड़ियों से 20-25 mm ऊंचा है। वह सिर्फ बलेनो और एलीट से ऊंची गाड़ी है। उसका टायर्स भी बलेनो और एलीट से 10 mm पतले हैं, लेकिन मोड़ों पर वह सबसे बेहतरीन पकड़ और नियंत्रण दर्शाती है। उसका स्टीयरिंग भी सबसे नुकीला है और वह सबसे ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती से दिशा बदल करती है। इसके विपरीत एलीट i20 चारों में सबसे घटिया हैंडलिंग वाली गाड़ी है दोस्तों। वह सबसे जल्दी अंडर स्टीयर करने लगती है और उसका स्टीयरिंग रेस्पॉन्स सबसे खराब है। सस्पेंशन कंफर्ट के मामले में भी वापस फोर्ड फ्री स्टाइल सबसे लाजवाब गाड़ी है। वह बड़े बड़े गड्ढों और स्पीड ब्रेकर्स को बेहतरीन रूप से सोख लेती है। एलीट i20 का सस्पेंशन कुछ ज़्यादा ही नरम है, वह सिर्फ लो स्पीड पर गड्ढों को अच्छे से सोख लेती है। तेज रफ्तार पर वह उछलने लगती है और अपना संतुलन खोने लगती है। स्विफ्ट और बलेनो का सस्पेंशन थोड़ा सख्त है। स्विफ्ट का ग्राउंड क्लीयरेंस भी सबसे कम है। हमारे देश की टूटी फूटी सड़कों के हिसाब से वह बिल्कुल भी उचित गाड़ी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। टिकाऊपन के मामले में फोर्ड की गाड़ियां आज भी मारुति और हुंडई के दो कदम पीछे हैं। माना कि एस्कॉर्ट और आइकॉन की तुलना में जब गाड़ियों की जो कि फोर्ड की गाड़ियाँ थी उससे काफ़ी सुधर गई हैं, लेकिन आज भी फीगो और इको स्पोर्ट्स जैसी गाड़ियों में स्विफ्ट से क्रेटा से जैसी गाड़ियों से ज़्यादा बिगाड़ आते हैं। इसके विपरीत बलेनो, एलीट और स्विफ्ट तीनों हुंडई और मारुति की अन्य सारी गाड़ियों की तरह बहुत और भरोसे गाड़ी हैं। सर्विस के मामले में तो फोर्ड आज भी मारुति और हुंडई से बहुत पीछे है। हुंडई और मारुति की सर्विस सेंटर की कारीगरी और व्यवस्था फोर्ड से बहुत लाजवाब है। फोर्ड कितना भी उसका सर्विसिंग सस्ता हो जाने का विज्ञापन कर ले, सच्चाई तो ये है कि उनके ग्राहकों का खर्चा रिपेयर्स पर ज़्यादा होता रहता है, सर्विस पर नहीं। और रिपेयर्स पर होने वाला खर्चा हुंडई और मारुति की गाड़ियों से आज भी कई गुना ज़्यादा है। और तो और फोर्ड की 250 डीलरशिप की पहुंच भी हुंडई के लगभग 1000 और मारुति के 3000 सर्विस सेंटर से आज भी बहुत कम है। दोस्तों समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। तो दोस्तों इन चारों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी सबसे बढ़िया है यह आपके इस्तेमाल पर निर्भर करती है। अगर हर रोज शहरी ट्रैफिक में जूझते हुए 1.5-2 घंटे बिताते हो तो आपके लिए सिर्फ पेट्रोल AMT सबसे बढ़िया विकल्प है। वह आपको हर रोज की क्लच गियरबॉक्स सगड़ने की तकलीफ से बचा सकती है। 7,80,000 की ऑन रोड प्राइस में आपको उसका ZXI AMT मॉडल मिल जाता है। मूल्यमापन के हिसाब से वह इस प्रतियोगिता का सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। ऊपर से उसका माइलेज भी लाजवाब है और जब आप 2-3 हफ्तों में 1-8 बार हाईवे पर ट्रिप लगाएंगे आपको ओवरटेकिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं दोस्तों और घुमावदार रास्तों पर गाड़ी चलाना पसंद करते हैं तो फ्री स्टाइल डीजल आपके लिए सबसे बेहतरीन पर्याय है। उसकी लाजवाब पकड़ और आरामदायक सस्पेंशन उसे किसी भी प्रकार की सेडान के उचित बनाता है। ऊपर से उसका लाजवाब डीजल इंजन पोलो TSI और पिंटो एवर्थ जैसी झूठी मूठी हॉट हैचबैक्स को ट्रैक टेस्ट में हरा चुका है। इसके अलावा वह ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड जैसे फीचर्स की बदौलत इस प्रतियोगिता की सबसे सुरक्षित गाड़ी भी है और इस सब के बावजूद वह स्विफ्ट, एलीट और बलेनो से सस्ती है। तो दोस्तों स्विफ्ट AMT पेट्रोल और फोर्ड फ्री स्टाइल डीजल ये दोनों हमारी इस तुलना की विजेता हैं। दोस्तों अगर आपको फोर्ड फ्री स्टाइल, एलीट i20, बलेनो या नई स्विफ्ट की कंपैरिजन देखने में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।